और हम सब यहाँ पर श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के पूर्व उपाध्यक्ष रहे श्री जैन श्वेतांबर छोटे सा समाज के संरक्षक श्री पारस जी जैन रतलाम वाले एवं श्री राजेंद्र जी जैन के परम पूज्य पिता श्री श्री अक्षत जी, श्री संस्कृति जी, श्री नंदिनी जी के दादाजी आदरणीय मिठुलाल जी साहब गुड़वाला, जो कि दिनांक 26 जनवरी को देवलोक गमन हो गया, आज आप और हम सब उनकी श्रद्धांजलि सभा शोक सभा के रूप में आज आप और हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि आदरणीय मिठुलाल जी साहब, जिन्होंने जीवन पर्यंत सेवा की भावना लेकर, हमेशा उनके मन में एक सेवा की भावना रहती थी, प्रतिदिन स्थानक आना यह उनका एक लक्ष्य था। नियम के मामले में अभी कुछ दिनों पूर्व उन्होंने 500 सामायिक के पचकान ले रखे थे। प्रतिदिन जब भी महाराज साहब होते, प्रतिदिन स्थानक आना और शाम को प्रतिक्रमण का लक्ष्य अवश्य रहता था। यह तो हुई उनके धर्म की क्रियाओं की बात, लेकिन साथ में सेवा की मामले में सदैव अग्रणी रहे। गुप्त रूप से सेवा की भावना उन्हें हमेशा उनके मन में प्रज्वलित रहती थी। इस हाथ से दान दे और इस हाथ को पता नहीं चले, यह उनकी भावना हमेशा रहती थी। ऐसे आदरणीय बाबूजी आज हमारे बीच में नहीं रहे, पूरा समाज और परिवार तो शोकमग्न है ही, लेकिन साथ में पूरा समाज गौरवान्वित है। क्योंकि गौरवान्वित इसलिए कहेंगे क्योंकि उन्होंने जीवन पर्यंत तो सेवा की भावना रखी, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व वह एक प्रतिज्ञा पत्र भर के गए थे कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी देह का दान, ताकि आने वाले वर्षों में भी मेरी देह का काम आ सके। दिनांक 26 तारीख को उनका जब अस्वस्थ हुए, रात्रि को लगभग 9 बजे परिवार जन द्वारा उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन किया गया, लेकिन कुछ दिनों में आदरणीय बाबूजी हमारा साथ छोड़कर चले गए। यह बात व्हाट्सएप के माध्यम से सब लोगों को पता चली। सबसे पहले बहन भैया इस बात के लिए प्रयासरत रहे कि उनकी देह का दान तो होगा, लेकिन संजय भैया ने उन्हें एक बात कही कि भाई देह दान तो हम कर रहे हैं, लेकिन नेत्र दान भी अगर करें तो यह बहुत उत्तम कार्य होगा। दोनों के प्रयासरत भाई श्री अजय जी जैन और हम सब की मौजूदगी में वहां पर लगभग 12:30 बजे बड़नेगर से देह दान के लिए डॉक्टरों की टीम आई और लगभग 1:15 बजे देह दान मतलब नेत्र दान के कार्य को संपन्न किया गया। धन्य है वह महापुरुष जिन्हें समाज रत्न कहे तो भी कम है, आज आप और हम सब उनकी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम, हमारे समाज का भी कर्तव्य है कि ऐसे महापुरुष के चले जाने से निश्चित रूप से हम सब शोकमग्न हैं, तो हम उन्हें श्रद्धांजलि के स्वरूप दो शब्द करें, यह हमारे समाज का कर्तव्य है। मैं सर्वप्रथम हमारे समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री मदनलाल जी साहब दुग्गड़ से निवेदन करूंगा, कृपया पधारे और श्रद्धांजलि स्वरूप अपने दो शब्द। माताओं बहनों, ये भाषणबाजी का समय नहीं है, लेकिन एक मृत आत्मा जिसको कि भगवान स्वरूप अपन कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति का समाज से चला जाना बहुत ही दुखद है। वे वर्धमान स्थानवासी जैन श्रावक संघ की रीढ़ की हड्डी थे। वे दान करते थे लेकिन दिखाते नहीं थे। आज की परिपाटी है, दान कम करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। ऐसे व्यक्ति का समाज में से चला जाना वास्तव में बहुत बड़ा नुकसान श्रावक संघ को और समाज को हुआ है। मैं ऐसी आत्मा को अपने श्रावक संघ की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें मोक्ष प्राप्त। आदरणीय मिठुलाल जी साहब, जो कि छोटा सा समाज के संरक्षक थे, मैं छोटे सा समाज के अध्यक्ष श्री संजय जी जैन थलीवाला को सादर आमंत्रित करता हूं।
छह बजे ही है, कट नहीं कर सकते। श्री जेम्स पीताम्बर छोटे साथ उस्वाल समाज के संरक्षक, समाज रत्न श्री समाज के अध्यक्ष भाई संजय जी और यहाँ विराजित सभी महानुभाव और राका परिवार, मिट्ठू लाल जी से मेरे वर्षों से संबंध रहे हैं। पूर्व वक्ताओं ने उनको भगवान के रूप में संबोधित किया, समाज रत्न के रूप में संबोधित किया, और मेरी नज़र में इन सब बातों की मैं भी पुष्टि करता हूँ, पूर्व देवतातुल्य इंसान थे। देवतातुल्य इंसान के कई गुण होते हैं, वो मैंने उनके जीवन में देखे। उन्होंने अथक परिश्रम करके उन्नति हासिल की और कभी उसका गर्व नहीं किया। कई परेशानियां उनके सामने रही पर कभी चेहरे पे शिकन नहीं आती थी। कई परेशानियां रही स्वास्थ्य की भी अन्य भी, पर वो धर्म से कभी विमुक्त नहीं हुए। नियमित रूप से आके प्रवचन सुनना, नियमित रूप से प्रवचन प्रतिक्रमण करना और सामाजिक जितने भी काम हो स्थानक समाज के या छोटे सा समाज के, उसमें अग्रणी रहना, ये देवतातुल्य इंसान का गुण, सुश्रावक का गुण, अच्छे गृहस्थ का गुण। दूसरा, जीते जी उन्होंने उत्पीड़ित मानवता के लिए जितना सहयोग उनकी ताकत से हो सकता था वो किया। मैं यहाँ उसके साथ कहना चाहूँगा, मेरा वर्षों से समाज सेवा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति के पास अब हम जब जाते हैं किसी सेवा प्रकार के लिए, तो कई बार ये जवाब मिलता है, अरे सब हमारे यहाँ देनो पड़े, हमारे वहाँ देनो पड़े, हमारे यहाँ करना पड़े, और वो उनकी ताकत से एक पैसा भी दे दे तो बहुत बड़ी बात होती थी। और सेठ मिट्ठू लाल जी, सेठ मिट्ठू लाल जी उन करोड़पति अरबपति से ऊँचे हमारे उज्जैन की शान बिना बोले आगे लेके देते थे। समाज की चातुर्मास की पांगड़ी हो तो सबसे पहले रसीद उनकी कटती थी, ये मैंने वर्षों से देखा। ये देवतातुल इंसान का दूसरा गुण। तीसरा गुण, जीते जी चार साल पहले, तीन साल पहले बाबूजी से मेरे पास आए कि सेठिया जी मेरे को तो मेरी बॉडी को दान करना है, मेरे बाद भी ये लोगों के काम में आए, शिक्षा के काम में आए, मेरी भावना आप व्यवस्था करो। भाई दिलीप जी जैन जो है आरडी गाड़ी से जुड़े हुए हैं, सारे कागजात लाके तैयार कराए, सब तैयार करे उन्होंने अपने पास घर में जाके रख दिए। कैसी महान आत्मा, जब मृत्यु सामने नहीं हो और उसके पहले मृत्यु के बाद की व्यवस्था करना, कैसा गजब का इंसान होगा, कैसा देवतातुल्य इंसान होगा। आप बताओ उज्जैन शहर में हमने कितने के बारे में ऐसा सुना होगा। धन्य है उस आत्मा को। इसके साथ साथ उनकी भावना के अनुरूप अचानक जैसे रात को उन मैसेज आया जीजी का, मंजुला बेन का, कि पिताजी नहीं रहे हैं। तत्काल हमने हमारे मित्रों से बात की और संजय भाई ने हमको बताया कि सर उनकी आयदा नेत्रदान भी कराना चाहिए। उनकी नेत्रदान कराने के लिए हमने
प्रयास किया मेरे बहनों ही हैं मैथुर में जवाहरलाल जी डोसी, जिन्होंने कई लोगों के नेत्रदान का सहयोग किया है। वो टीम की व्यवस्था करते थे, उन्होंने 5 मिनट में हमको सारा व्यवस्था कर दी कि 1 घंटे में आपके पास डॉक्टरों की टीम बड़नेगर से आ जाएगी। वो डॉक्टरों की टीम डॉक्टर धदरवाल अपने जेब के खर्चे से गाड़ी लेके अपनी टीम लेके आई का डोनेशन लेने जाता है, परिवार का संबल बनाता है, परिवार को श्रद्धांजलि देता है। और वो टीम तराना से आंखें दान किसी की मृतक की लेकर चैरिटेबल हॉस्पिटल आ गई और उन्होंने आई ली। और आई लेते समय क्या बोला आप सबको आश्चर्य होगा, ये देवता तुल इंसान का एक और गुण बता रहा हूँ। उन्होंने कॉर्निया निकाला और ये कहा कि स्वस्थ और जवान आदमी का जैसा कॉर्निया होता बाबूजी का कॉर्निया ऐसा है। मतलब आप सोचो 78 साल की एज में भी कॉर्निया दोनों सही निकले। वो दोनों कॉर्निया कल तक 2 लोगों में दृष्टि, जिनकी दृष्टि जा चुकी है उनको लग जाएगी। तो जाते जाते 2 व्यक्तियों को बाबूजी रोशनी देके गए हैं, ये देवता तुल्य गुण। हम में से कई लोगों को जाते हुए देखा, बताओ उनके जाने के बाद क्या काम आया। तो इस प्रकार की धन्य है उनकी आत्मा को, उनको प्रणाम करता हूँ। खूब दान देते थे, खूब करते थे। और अभी एक जानकारी में मेरे ये भी आया कि जीते जी उन्होंने आज से करीब करीब 10-12 साल पहले 10,000-20,000 करके 1,00,000 रुपए की राशि संघ में अलग अलग नाम से जमा की थी और ये भावना प्रकट की थी कि उनके बाद उसकी राशि का जो ब्याज है FDR से वो चातुर्मास की पांदड़ी में हमेशा जमा होता रहा। ये चीज मेरे आज ध्यान में आई है। भाई शैलेंद्र लोनावत ने भी इस बात की पुष्टि की है और संघ में FDR बनी। ये सब हमारे कार्यकाल के पहले की बात है। तो धन्य है ऐसे बाबूजी को, धन्य है ऐसे देवता तुल इंसान को। परिवार में भी वो संस्कार दिए कि उनकी जो बेटी है मंजुला बहन ज्योतिषाचार्य, राष्ट्र में उनका नाम है। सभी कई अनेक साधु संत की सेवा में वो जुटी रहती है। अनेक साधु संतों का वो मार्गदर्शन करती है। ऐसे परिवार की उनकी पुत्री है, महाराज साहब पधार गए हैं, वाले कहीं कहने की थी मन से, समय की अभाव है और इस कारण में परम पूज्य बाबू जी के चरणों में वर्धमान स्थानवासी जैन श्रावक संघ उज्जैन, नमक मंडी उज्जैन, राष्ट्रीय जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली, महावीर सेवा प्रकट समिति, इसी तारतम्य में जीवन दीप वेलफेयर सोसाइटी, जो कि हमारे समाज की एक ऐसी सेवा की भावना रखने वाली एक सोसाइटी है, मैं भाई महेंद्र जी नाहर को सादर आमंत्रित करता हूँ। कृपया पधारे। आदरणीय सुश्रावक विठल अली साहब के बारे में तो सभी पूर्व वक्ताओं ने बोला ही है, उनको उनके बारे में बोलना सूर्य के सामने दीपक जलाना होता है। मैं वैसे तो उनके बारे में अक्सर मिलता ही रहते थे और वो बहुत उनका आशीर्वाद जीवन दीप परिवार के और था ही सही, परंतु उन्होंने अपने जीते जी जो है नेत्रदान का संकल्प लिया था, देहदान के में जो है उन्होंने बहुत समाज में जागरूकता की कमी है, परंतु ऐसे सुश्रावक जिन्होंने अपना संपूर्ण देह दान किया उनके लिए मैं अपनी ओर से जीवन दीप परिवार की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रभु भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको मोक्ष प्रदान करे। एवं संस्था युवा उज्जैन द्वारा यह जो आदरणीय मिट्ठूलाल जी साहब ने देह दान जो की है उसका दधीची सम्मान पत्र परिवारजन द्वारा परिवार के को यहां पर प्रदान किया गया है। मैं श्री संजय जी जैन मिलन को सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें और संक्षिप्त में अपनी भावना व्यक्त करें। 13 पद समाज से भाई श्री संजय जी जैन मिलन और अगले भाई संजय जी
शोककुल परिवार उपस्थित श्रद्धांजलि सभाजन, निश्चय ही मिठुलाल जैन साहब का जाना समाज और परिवार के लिए अपूर्ण क्षति है। बाकी अभी यहाँ पूर्व वक्ताओं ने, आदरणीय वक्ताओं ने कहा कि वे दानी थे, मैं उन्हें महादानी कहूंगा। दानी का स्वरूप तो उन्हें जीवन जीते हुए बिताया, अपना आत्मकल्याण किया, लोगों को इस हाथ से लेते थे उस हाथ से मालूम नहीं पड़ता था, ये अभी सभी पूर्व वक्ताओं ने बताया। बाकी जब जाते हुए भी उन्हें ध्यान ये पूर्व में था कि जब मैं जाऊंगा तो मेरा शरीर निश्चय ही एक राख का ढेर हो जाएगा, अग्नि को अगर दे दिया तो राख का ढेर हो जाएगा, वो किसी काम में नहीं आएगा। तो उन्होंने अपने देह को देहदान के रूप में मेडिकल कॉलेज को दिया। निश्चय ही वो एक साइलेंस टीचर के रूप में सफलतम रिसर्च होता रहेगा, डॉक्टर उस पर कुछ ना कुछ सर्जरी करेंगे और अस्वस्थ व्यक्तियों को उसका लाभ पहुंचाएंगे। ऐसे देहदानी जिसने मानव सेवा के लिए, मानव समाज के लिए एक उपकार का कार्य किया, अनुपम कार्य किया है, उनके चरणों में मैं सशक्त नमन करता हूं। जय श्वेतांबर तेरापन समाज बड़ा सराफाया परिसंघ की तरफ से उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और वो जो आकृति जो संदेश दे गए, देहदान की जो संदेश दे गए, तो जागृति को फैला रहे हैं, निश्चय ही कहीं ना कहीं लोगों के भाव बने, वो यही संदेश और यही वो प्रेरणा एक दे के गए हैं। निश्चय ही कहीं ना कहीं लोगों के भाव बनेंगे कि देहदान निश्चय ही आगे मानव के लिए, मानव सेवा के लिए, मानव के समाज सेवा के लिए काम में आएगा। धन्यवाद। मैं राकेश जी बनवट को सादर नमन करता हूँ। विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष और त्रिस्तुतिक समाज के वरिष्ठ भाई राकेश जी बनवट, शोकाकुल परिवार और इस शोक परिवार में जो दुख आया है उसमें संबल के रूप में उपस्थित आप और हम सभी, आदरणीय बाबूजी से मेरा संबंध मित्रता का संबंध रहा। थोड़े दिन हो जाते थे तो उनका फोन आ जाता था कि बहुत दिन हो गए कि आए नहीं, घर पे क्या बात है। सतत कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य से घर पर आना जाना लगा रहता था। बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिला, शांत रहकर समाज में कैसे कार्य करना चाहिए उसके रूप में वो एक आदर्श के रूप में थे। जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय होता है वो जीवन होता है, और उस जीवन को सत्य मार्ग पर कैसे आगे बढ़ाना यह भी उनसे सीखने को मिला। दान देने की व्यवस्था उन्होंने अपने जीवन के अंत के पश्चात भी दान की भावना जो उनकी रही, जिसमें उन्होंने देह दान किया, जो भी हम जो हम सबके लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायी है, और उस संदेश को हम पूरे समाज में फैलाएं, तो निश्चित रूप से उनके प्रति हमारी सार्थक श्रद्धांजलि होगी। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, त्रिस्तुति श्री संघ की ओर से, विक्रमादित्य नागरिक बैंक के सभी सदस्यों की ओर से उनके श्री चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उन्होंने अपने जीवन में गो सेवा के प्रति भी सदैव सहयोग किया, और कहते हैं कि गो माता की पूछ पकड़ करके इस वेतरणी को पार किया जा सकता है। तो जिन्होंने गो माता की इतनी सेवा की है, मैं गो माता से भी उनके चरणों में निवेदन करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय बाबूजी की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो। निश्चित ही उनके जो कर्म है उनकी आत्मा निश्चित ही मोक्ष की ओर ही अग्रसर होगी, ऐसी भावना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत सारे लोगों की भावना है कि हम आदरणीय मिठुलाल जी के जीवन के बारे में बोलें, तो मेरा ये आप सभी से निवेदन है, कृपया संक्षिप्त में बिना भूमिका के अपनी बात को रखें। मैं नयापुरा श्री संघ की ओर से श्री शाल बद्री जी चपलोत को सादर आमंत्रित करता हूँ। शोकाकुल राका परिवार परिजन उपस्थित सभी महानुभाव माता बहनों, सादर जय जिन्हें
आदरणीय बाबू जी अपने जीवन व्यवहार में सदा सरल व विनम्र थे। उनके वियोग से राका परिवार ही नहीं अपितु समाज, जैन समाज और इष्ट मित्रों परिजनों की क्षति हुई है। मैं श्री वर्धमान स्थानापति जैन श्रावक संघ नयापुरा की ओर से अनाज दलहन तिलहन व्यवसायी संघ चिमनगंज मंडी उज्जैन की ओर से, अपनी ओर से, चपलोर परिवार की ओर से आदरणीय बाबू जी के पवन श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और जिनेश्वर देव से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह आत्मा अपने सत्कर्म सत्पुरुषार्थ से मोक्ष लक्ष्य की ओर गमन करे और वियोग के क्षणों में परिवारजन धैर्य रखे। ओम शांति शांति शांति। श्री वर्धमान स्थानक वासी जैन नवयोग संघ के सलाहकार और हमारे संघ के संरक्षक श्री अनिल जी भदेवरा को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। श्री मिठुराज जी साहब राका एक अनंत पुण्यशाली व्यक्तित्व को धनी थे। आपने अपने जीवन काल में अनंत अशुभ कर्मों का क्षय किया और पुण्यवाणी का बंद किया। आपका चले जाना संघ समाज और परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। वो आत्मा जहाँ कहीं भी हो अपने सत्कर्म पुरुषार्थ के द्वारा अष्ट कर्मों को क्षय करकर सीधा अति शीघ्र मोक्ष लक्ष्य को नेत्र दान किया है। गीता भवन न्यास समिति बर्णेगर के द्वारा एक यह पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है, उसमें यही लिखा है कि नेत्रदान कर दो व्यक्तियों को रोशनी का अमूल्य उपहार दिया है। साथ ही आरडी गार्डिंग मेडिकल कॉलेज जहां पर देह दान किया है वहां से भी यह पत्र प्राप्त हुआ है। मैं भाई श्री अजय जी जैन साहब को सादर आमंत्रित करता हूं। राजा रानी छत्रपति हत्यन के अस्वार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। विधि का विधान है, इस संसार में जो भी आया उसको अवश्य जाना है और विधि के विधान के आगे हम सब नतमस्तक हैं। पर ऐसे देवतुल्य परम आदरणीय श्री मिठुलाल साहब का यूं हमारे बीच से अचानक चले जाना न सिर्फ मिठुलाल जी के परिवार पर, हमारे समाज पर, वरन पूरे उज्जैन पर अपूर्णीय क्षति है। मैं ये 26 तारीख की बात है, उस दिन एक गृह प्रवेश, परिवार में गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। उस दिन आदरणीय मिठुलाल साहब और मैं, परिवार के अन्य लोग भी उस जाप में सम्मिलित हुए थे। वो बात थी लगभग 5:45 बजे की और 9:45 बजे यह खबर आई, बिल्कुल स्तब्ध करने वाला समाचार कि आदरणीय मिठुलाल साहब हमारे बीच में नहीं रहे। मिठुलाल साहब के बारे में यहाँ पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बात कही है, यह बिल्कुल सत्य बात है कि वह अत्यंत उदार मना दानवीर थे। इस हाथ से देते इस हाथ को पता नहीं चलता था, हमारे पूर्व वक्ता भी ये बात कह चुके। मैं यहाँ एक बात का और उल्लेख करना चाहूँगा, वह धर्म क्रियाओं में भी बहुत अग्रणी थे। वह प्रतिदिन थाली धोकर पीना उनकी नियमित आदतों में था। थाली धोकर पीना, हमारे शास्त्र में कहा गया कि एक अयम्बिल का लाभ मिलता है, ऐसे तपस्वी भी थे। अभी विगत दिनों उन्होंने पूज्य गुरु भगवान से पचकान दिए थे कि मेरे को 500 सामयिक प्रतिवर्ष करना है और महीने में 2 उपवास करना है। वह शारीरिक अवस्था अस्वस्थता के बावजूद भी इन सब धार्मिक क्रियाओं को पूरी तन्मयता से और लगन से पूर्ण करते थे। हम ये कहना चाहेंगे, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जीते जी तो हमारे हाथ से हम सब दान करते ही हैं। उनको नाम का बिल्कुल भी मोह नहीं था। जैसा पूर्व में भी बताया गया कि उन्होंने कई वर्ष पूर्व संघ को एक राशि प्रदान की कि मेरे जाने के बाद भी उस राशि के ब्याज से संघ में जो प्रवृत्तियां होती है उन प्रवृत्तियों में उस राशि का उपयोग हो। आज भी उनके परिवारजन ने कुछ राशियों का, अभी बाद में संचालक महोदय उसकी उद्घोषणा करेंगे। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा कि जीते जी तो हम सब दान करते ही हैं, पर उन्होंने हमें ये सिखाया कि मरने के बाद भी हम लोगों की स्मृति में रहें और मरने के बाद भी हम किस प्रकार से दान कर सकते हैं। उन्होंने नेत्र दान किया, उन्होंने देह दान किया, यह हम सबके लिए अनुकरणीय है, अनुमोदनीय है। मैं ऐसे श्री जवाहरलाल जी जोशी जो महतपुर निवासी हैं, वह उन्होंने भी उनके देह दान और नेत्र दान को
पूरे भारतवर्ष में प्रचारित किया है, पूरे भारतवर्ष में प्रसारित किया है, ताकि अन्य लोगों को भी उससे प्रेरणा मिले। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। श्री संत का भी कर्तव्य है कि हम ऐसे दुख की घड़ी में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो मैं श्रद्धांजलि पत्र, शोक पत्र का वाचन आप सबके सम्मुख कर रहा हूँ। उसके पूर्व अगर कोई अपनी भावना यहाँ पर व्यक्त करना चाहे। हम यात्रा के लिए निकलते हैं, साधु संतों किसी यात्रा के जाना, किसी महाराज साहब से विनती करना कि आप उज्जैन पधारे, तो हमेशा वो हमेशा तत्पर रहते थे, चंद्र भैया आपका फोन तो आ ही जाता है, चलो सुबह कितने बजे चलना बताए। और उसके बाद भी उनका ये रहता था कि हम लोग जाते थे, खर्चा तो होता ही था, अब किसी से पूछ लिया किसी, वो खुद आगे रहते आके हमको देते, चंद्र भैया ये उसके अंदर हैं आप हमारी ओर से। मतलब ये उन्होंने कभी कोई ऐसा कार्य ही नहीं किया कि हमारा किसी का दिल दुखे। मैं ऐसे आत्मा को समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो परमात्मा बनेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, सॉरी, मैं उनको विनती करता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि, भगवान से विनती करता हूँ कि उनको सद्गति दे। ओम शांति, ओम शांति, जय जिनेंद्र। हमारे संघ के संरक्षक आदरणीय श्री प्रकाश चंद जी साहब सूर्य से निवेदन करूंगा, कृपया वे भी श्रद्धांजलि स्वरूप अपनी भावना व्यक्त करें। उपस्थित परिवारजन और शोकाकुल और उपस्थित यहाँ पे जो सही मानव उनको सादर जय जी ने, आदरणीय मिठुलाल जी साहब के बारे में जितना कुछ कहा गया वो मैं समझता हूँ उससे कहीं अधिक वो मतलब उनकी व्यक्तित्व था। जहाँ कहीं भी धार्मिक यात्रा में जाना हो तो सबसे पहला नाम उनका आता है, और जाना भी साथ में, सबको साथ में रखना और सबके प्रति स्नेह के भाव भी रखना, ये उनमें थी। इसके अलावा प्रतिदिन मैंने उन्हें देखा है, व्याख्यान में हो सामयिक हमेशा करना, धर्म ध्यान में सबसे आगे रहना, ऐसे अनेक गुण थे। और जैसा कि बताया गया है, मेरे कार्यकाल के समय उन्होंने 1,00,000 रुपया संघ में दिया, वो सदा सदा के लिए संघ की प्रवृत्तियों में उपयोग हो। और ये मेरे ख्याल से परिवारजनों को भी नहीं बताया था कि ये राशि मैं वहाँ दे रहा हूँ। तो इतनी उदारता उनके मन में, और अधिक कुछ कहने की तो बात नहीं, परंतु पावन चरणों में मैं नतमस्तक हूँ, अपनी भावनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय। आज आप और हम सब उनको उनके गुणों का विवरण के लिए यहाँ पर आप और हम सब उपस्थित है। निश्चित रूप से वह एक पुण्यशाली इंसान थे। जीवन में उन्होंने यह किया है कि आज आप और हम सब उनके गुणों को यहाँ पर बोलने और सुनने के लिए यहाँ पर इतनी देर बैठे हैं। नहीं तो किसी के पास कोई समय नहीं है, ना तो दो शब्द बोलने का और न कुछ सुनने का। मैं अब हमारा जो संघ का जो शोक पत्र है उसका वाचन आप सबके सम्मुख यहाँ पर कर रहा हूँ। श्री वर्तमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ महावीर भवन नमक मंडी उज्जैन, श्री महावीर आय नमः, दिनांक 28/1/2023। हार्दिक श्रद्धांजलि। हमारे संघ के सम्मानीय वरिष्ठ धर्मनिष्ठ श्रावक गुरु भगवंतों की सेवा में सदैव तत्पर, धर्म आराधना में सदैव अग्रणी, गुप्त दानी, संघ के कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व उपाध्यक्ष नेत्र वह देहदानी एवं ज्योतिषाचार्य श्रीमती मंजू जी जैन, श्री पारस जी जैन, श्री डॉक्टर शकुंतला जी जैन, श्री राजेंद्र जी जैन के परम पूज्य पिताजी एवं श्री अक्षर जी, श्री संस्कृति जी, श्री नंदिनी जी के परम पूज्य दादाजी, सम्मानीय श्रीमान मिठुलाल जी साहब जैन गुड़वाला, दिनांक 26/1/2023 को काल धर्मों को प्राप्त हो गए। श्री मिठुलाल जी जैन के चले जाने से परिवार की अपूर्णीय क्षति तो है ही, लेकिन संघ की भी वास्तविक अपूर्णीय मान क्षति है। जीवन व्यवहार में आप बहुत ही सरल और विनम्र थे, आपका संपूर्ण जीवन धर्ममय और सादगी से परिपूर्ण था। दुख और वियोग के इन क्षणों में परिवारजन धैर्य और समता को धारण करें, आर्त ध्यान त्याग कर धर्म ध्यान की ओर प्रवृत्त हो। दिवंगत आत्मा अपने सत्कर्म और सत्पुरुषार्थ से मोक्ष लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। दिवंगत आत्मा
के चरणों में विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। निवेदक श्री वर्धमान स्थानक वासी जैन श्रावक संघ महावीर भवन नमक मंडी उज्जैन। अध्यक्ष आदरणीय श्री मदन लाल जी साहब दुग्गड़। कार्याध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश जी गादिया। महासचिव श्री महेंद्र कुमार जी साहब सेठिया। अखिल भारतीय ज्योतिष जैन ज्योतिषाचार्य परिषद की ओर से भी शोक संवेदना पत्र, वहां से भी एक शोक संवेदना पत्र प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद उज्जैन, प्रवक्ता प्रज्ञा विदुषी प्रसिद्ध ज्योतिषा श्रीमती मंजुला जी जैन, जय जिनेन। आपके पूज्य पिताजी श्री मिठुला जी जैन गुड़वाला का आकस्मिक देवलोक गमन से समस्त परिषद शोकाकुल है। श्री मिठुला जी एक धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक कार्यों में सदैव अग्रभक्ति में रहते थे, मगर जो जी लो इस विश्वास संसार में आता है उसे जाना ही पड़ता है। दुख की इस घड़ी में हम वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि देवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजन को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आभारी। ओम शांति ओम शांति। हम सभी शोकाकुल एवं आपके दुख में सहभागी अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण, अन्य संस्थाओं से भी आए उनका उल्लेख। परम पूज्य डॉक्टर श्री स्नेह प्रभा जी महाराज साहब की ओर से भी, श्री शीतल धार्मिक पारमार्थिक न्यास की ओर से भी शोक संवेदना पत्र प्राप्त हुआ है। अब परिवार जन द्वारा जो दान राशि में हमारे संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री मदनलाल जी साहब दुग्गड़ और श्री महेंद्र जी सेठिया और कार्याध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश जी गादिया से निवेदन करूंगा। संघ के संरक्षक आदरणीय श्री प्रकाश जी साहब सूर्या से भी निवेदन करूंगा। श्री अनिल जी भटेवरा से भी निवेदन करूंगा, कृपया पधारे। परिवार जन द्वारा आदरणीय मिठुला जी साहब की स्मृति में जो दान राशि यहाँ पर दी जा रही है, मैं जिनका संस्था का नाम बोलूं उनके प्रतिनिधियों से निवेदन है कृपया यहाँ पर आकर यह दान राशि प्राप्त कर ले। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ नमक मंडी को 51,000 रुपए की राशि यहाँ पर प्रदान की जा रही है। मैं संघ के कोषाध्यक्ष भाई नवीन जी अगर यहाँ पर हो तो पधारें। मैं अध्यक्ष महोदय आप पधारिए। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ नयापुरा 11,000 रुपए वहां के अध्यक्ष महोदय यहाँ पर शालभद्र जी साहब आप पधारिए। श्री वर्धमान स्थानकवासी सुभाष नगर श्री संघ से भी निवेदन, अगर वहां के अगर कोई पदाधिकारी उपस्थित हो तो कृपया पधारिए। आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र जी साहब बारू से निवेदन करूंगा, कृपया पधारे। ऋषभ देव छकनीराम पेड़ी दो खाराकवा से अगर वहां से पदाधिकारी कोई प्रतिनिधि हो तो पधारिए। 2,500 रुपए की राशि। ओसवाल समाज द्वारा संचालित अन्न बैंक कोई भी पदाधिकारी अगर प्रतिनिधि वहां से पधारे हो तो कृपया पधारे और यह राशि प्राप्त करें। आई मिल खाता नमक मंडी श्री अनिल जी भटेवरा आप यह राशि
अर्चना पारमार्थिक औषधालय श्री तेज कुमार जी गादियान सचिव महोदय कृपया पधारे और यह राशि प्राप्त करें। अनिल जी लिखा आप दोनों पधार जाएं। महावीर इंटरनेशनल महावीर इंटरनेशनल से अगर को आइए सुशील जी। जीवन दीप वेलफेयर सोसाइटी श्री महेंद्र जी नहारिया प्रदीप जी आप में से कोई भी पधार जाएं और ये राशि प्राप्त करें। महावीर सेवा प्रकल्प समिति श्री हेमंत जी भटेवरा से निवेदन है कृपया पधारें और ये राशि प्राप्त करें। शीतला माता गौशाला श्री राकेश जी मनवड़ से निवेदन है कृपया पधारें और यह राशि प्राप्त करें। गोपाल दास नृत्य गौशाला श्री सुनील जी लिग्गा या मनोज जी जैन लाला जी से निवेदन है कृपया पधारें और यह राशि प्राप्त करें। दूध तलाई मंदिर वहां से कोई प्रतिनिधि अगर पधारे हो तो कृपया वह भी पधारे। दूध तलाई मंदिर इसके पश्चात दूध तलाई से अगर कोई पधारे हो तो अवंती पार्श्वनाथ मंदिर दूध तलाई मंदिर अच्छा बस दो मिनट ये लास्ट है। अवंती पार्श्वनाथ मंदिर वहां से ट्रस्ट से अगर कोई पधारे हो तो यह राशि प्राप्त कर लेंगे। इस तरह परिवारजन द्वारा यह अवंतीपुरा हनुमान मंदिर वहां से कोई अगर सभी संस्थाओं की ओर से मैं परिवारजन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब हमारे संघ के सुशावक आदरणीय श्री कैलाश जी साहब से निवेदन है कृपया मंगल पाठ का श्रवण कराएं। दो मिनट साहब रुक जाइए सब लोग बोलते बस साफ मई जिन महानुभावों ने ज्वालांजलि श्रद्धांजलि यहाँ पर
नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो जायणम नमो लोय सर्वसवर्णम एसो पंच नमकार सौ पावनासनो मंगलाणम च सर्वे सिंपड़म मोहन मंगलम भैया 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 मंगलानं च सर्वेषु पद्मं होइ मंगलम्।